हाय फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, सुबह का टाइम हो चुका, जैसा कि आप खुद पता है, धूप देख के लग रहा होगा। तो अभी हमारा काम अब स्टार्ट होता है सुबह सुबह बर्तन धुलने से। तो अब धुलते अपने बर्तन, फिर उसके बाद बनाएंगे चाय। तो आज जो है आज प्याज पकौड़ी बनाने का प्लान है। कभी बनाए हम नहीं है, लेकिन आज पहली बार ट्राई होगा, वो भी मोबाइल में देख के। चलिए चेक करते, पहले थोड़ा सा बनाएंगे एक प्याज का, नहीं तो पूरा बेकार हो जाएगा, तो क्या फ़ायदा है। पहले एक बार चेक करते, पहले बर्तन धुलते, फिर उसके बाद चेक करते बना के, क्योंकि कभी बनाए नहीं, घर में देखा है, देख के बना रहे कैसे कैसे था। बाकी मोबाइल का सहारा है, उसी के हिसाब से बनेगा। तो मोबाइल में देख के और घर के अनुभव से चेक करते, आपको दिखाते कैसे आज बना पाते कि नहीं। चलिए वीडियो में बने रहिए। तो गैस अपना काम पूरा हो चुका, तो अब बनाते ट्राई करते हैं, ट्राई द बेस्ट कितना अच्छा बने। इंग्लिश तो अच्छी नहीं, लेकिन चेक करते हैं एक बार बना के। कभी बनाए तो नहीं, पहली बार जो है आज बनाने जा रहे हैं। बेसन रखा था इसीलिए बना रहे, नहीं तो यही बनाते भी ना। तो चलिए एक बार बनाएंगे तो दिखाएंगे। तो गैस ये बन गया है प्याज का, तो चेक करते हैं एक बार बना के, एक ही डाल के देखते हैं कैसे है। तो चलिए दिखाते हैं। देख सकते हैं तेल हमारा हो चुका है। एक बार एक चेक करते हैं डाल के हुआ कि नहीं। तो गैस बन गई हम लोगों की प्याजी। पहली बार प्रयास किया, पहली बार में जो है कुछ हद तक तो सफल हैं। तो अब इनको जो है चाय के साथ खाते हैं, तभी आनंद आएगा। तो गैस हमारा ये सब बन चुका है, अब चलते चाय पीते हैं। तो गैस वैस बंद कर दिया, अभी थोड़ी ही बनाए हैं, नहीं ज़्यादा हम सोचे बना लेंगे बेकार हो गया, तो काम बेकार, लेसन बेकार हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत थोड़ी थोड़ी तो होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने थोड़ी थोड़ी शुरुआत किया है। देखो गैस, मिर्च अभी तली जा रही है, काफ़ी अच्छे साथ प्लानिंग है पूरे खाने की। तो अच्छी खासी आज सुबह सुबह धूप निकल आई है, इधर देख सकते। तो हम इधर आए हैं, यहाँ पे है सिकंदर भाई का रूम। चलिए चाय हमारी रेडी थी हम लोगों की। रखो इसका, कहाँ रखें, बैठे रख दियो। पेपर आ गया आज का, पेपर भी आ गया है दैनिक जागरण। अभी हम तो ले नहीं रहे अपना इंग्लिश पेपर की वजह से, इंडिया का सबसे बड़ा त्यौहार लोटस 365। तो हमारी चाय भी आ गई है, चलिए पीते हैं दोस्तों, भी वीडियो मिलते हैं अभी। तो गैस खोलते हैं गेट, रखते हैं और अपनी क्लास करते हैं। अभी क्लास अपनी बाकी है, पढ़ते हैं, क्योंकि पेपर का जो है समय है, समय न बर्बाद करते हुए चलिए शुरू करते हैं। बहुत तेज़ धूप है, अब तो पंखा चलाना एकदम अनिवार्य हो गया सुबह से। तो हमारा पंखा भी चल चुका है, तो चलिए बैठते हैं। देख सकते हैं कितना तेज़ धूप है, बहुत तेज। गैस चेहरा से पहचान गए हुई हूँ कि नहा चुके दोपहर में। तो हमारी जो है दाल छौंकने की तैयारी है पूरा दोपहर की। तो आज उड़द की दाल बनाए हैं, रखे थे घर से ले आए थे, तो बच गई थी शादी में। चलिए बनाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। अभी छौंकने में टाइम लगेगा, क्योंकि नीचे देख सकते हैं कुकर तो रख गया, चावल भी इसी में है, लेकिन दाल उसमें जो है छौंकते हैं प्याज और टमाटर से। इलाहाबाद में पानी गिरने लगा है, सर देख सकते हैं जो है काफ़ी तेज बूंद आ रही, तो गेहूं के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। देख सकते हैं बूंदी जो है, तो इलाहाबाद में आज बारिश हो रही है, सबसे ज़्यादा गेहूं के नुकसान करेगा। तो गैस पीछे बारिश हो रही है बहुत तेज, तो इस समय जो है बारिश ज़्यादा दिक्कत है गेहूं के लिए, खासकर गेहूं सरसों
तो गांव हम तो आए थे, वहाँ भी सरसों कुछ लोगों को बहुत पड़ा, तो गेहूँ तो खासकर बहुत लोगों को गिर गया गेहूँ तो। तो ये दिक्कत जो है गेहूँ कुछ चीज़ों के लिए फ़ायदा है, लेकिन गेहूँ के लिए जैसे तरबूज हम गए थे जो उस बार देखा होगा वीडियो, तो उसके लिए सही है, लेकिन गेहूँ है सरसों अभी जो घर गाँव पड़े हैं उनके लिए बहुत दिक्कत है। अगर गाँव गिर गया तो समझो बहुत बेकार है। आपने वीडियो में देखा भी होगा था जो न्यूज व्यूज में कितना नुकसान हुआ था किसानों को, बहुत जगह पत्थर गिर गए थे। हमारे यहाँ तो गिरे थे, लेकिन इतना हमारे यहाँ थोड़ा कम गिरे थे गेहूँ, क्योंकि बारिश कम हुई थी, हवा कम चली थी। लेकिन बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पत्थर गिर गए थे, जो है बर्फबारी तरह देखा ही होगा वीडियो, बहुत नुकसान हुआ था। तो यही नुकसान है, पानी गिर रहा अगर हवा चल गई खासकर गाँव में तो वहाँ तो बहुत जाएगा नुकसान, बहुत ज़्यादा काटने के समय, क्योंकि पूरा गेहूँ गिर ही जाएगा। तो यही दिक्कत है, मौसम पूरी तरह देख सकते, आवाज़ कर रहा लग रहा अभी बारिश होगी, तो लाइट भी हमारी चली गई तुरंत, तो यही दिक्कत है यहाँ सबसे ज़्यादा है गेहूँ इतनी टाइम। तो अभी हमें मार्केट भी जाना, अभी तो बारिश हो रही है, तो बारिश रुकेगी तो चलेंगे सब्जी वब्जी कुछ लाते हैं, क्योंकि सब्जी तो लाना ही पड़ेगा। देख सकते कितनी बारिश काफ़ी हो गई है यहाँ पे, छत पे ज़्यादा जान पड़ रही है, अभी नीचे तो नहीं असर करेगा, अगर ज़्यादा गिर गया तो नुकसान है गेहूँ। तो गैस अभी बहुत बादल है मौसम में, तो अब सब्जी लेके आते नहीं बारिश हो जाएगी फिर तो दिक्कत बन जाएगा। तो गैस बाहर बहुत तेज जो है आंधी हवा चल रही है, मौसम अभी चढ़ा हुआ है पूरी तरह, तो सब्जी वब्जी ले आते नहीं अगर बारिश हो गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए अब मार्केट चलते हैं लेके आते सब्जी, ताकि रख लेंगे जाके दिक्कत ना होगी, ना तो बारिश हो गई तो हो जाएगा दिक्कत, दिक्कत बन गई आप लोगों को तो सब्जी की बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि सब्जी कुछ है भी नहीं। तो चलिए चलते हैं लेके, कुछ आवत हैं सब्जी वब्जी, देखते कहाँ अच्छा रहेगा वहीं जाके पता लगे कहाँ लेते हैं, अंतिम निर्णय वहीं पर। चलिए चलते हैं, जैसे ही बाहर आए यहाँ बारिश होने लगी तेज, चलिए अब चलते सब्जी मंडी तक तो पहुँचते हैं, यहीं ले लेंगे चले आएंगे जल्दी। मौसम देख सकते कितना चढ़ा लौंक रहा है, गैस पन्नी नहीं लाया गड़बड़ कर दिया, नहीं तो मोबाइल ढाके लेते। चलिए जल्दी से लेके आते हैं। तो गैस लाइट भी चली गई है, तो अब देख सकते अंधेरा हो गया है, तो लोग अब जाने लगे अपने अपने रास्ते पे, क्योंकि बारिश तेज होने लगी। बहुत तगड़ा बारिश हो गया, आप देखा नहीं बारिश, नुकसान बहुत हो गया है। बस बारिश हो रही, अभी यहाँ फंसे खड़े हुए हैं, तो सब्जी की दुकान भी बंद हो गई है, तब खुले तो ले सब्जी चलते हैं, काफी टाइम हो गया, हवा भी बहुत तेज चल रही है। तो गैस बचा के चलते, कचरा बहुत हो गया है, तो इधर देख सकते हैं दुकान भी बंद है। आलू 1 किलो गुर्दे कर दियो, बहुत तेज कचरा मच गया, देखो बारिश आने के कारण दोस्तों मार्केट डाउन हो गई आज। ठंडी ना लगा पा नहीं तो इतनी समय शरीर का समझो हालत डाउन हो गई, बुखार उखार के चांस ज़्यादा। तो गैस बैंगन छांटने में बहुत समय लग रहा है, सब्जी ले लिया है सब चलते हैं, आलू आलू है। सब चलते हैं रूम पर, लाइट भी चली गई है, तो चलते हैं वहीं। मीठे भाई पैक कर दे समोसा, तो अभी समोसा में है भीड़ काफ़ी, दुभाई मार के पैक कर दे। समोसा ले लिया, अब जो है हल्दी लेना और दूध, क्योंकि चाय बनाएंगे, अब ठंडा मौसम हो गया है। चलिए चलते हैं रूम पर, बारिश के बाद के हाल हो गई रोड की, देख सकते हो पूरा कचरा कचरा मच गया, फिसलन भरा हो गया। गैस जो है सब्जी लेकर आ गए हैं, तो पानी ले आते तुरंत आ गया था नीचे, तो तुरंत ही ले आते पानी चल के,
तो गैस पानी ले आए हैं, तो तीन मंजिले चढ़ते चढ़ते हालत डाउन हो गई। सबसे ज़्यादा जो है कचरा माल लोअर का दिक्कत हो गई, पूरा लोअर बेकार हो गया है, कल धुलना पड़ेगा। तो चलिए हाथ पैर धुल के जो है कपड़ा चेंज करते, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी लग गई लोअर में। चढ़ा दिया दोस्तों, समोसा लाए थे तो उसी वजह से चाय समोसा आज होगा, मौसम चेंज हो गया तो हमने भी चेंज कर दिया आज। आज देख सकते कितनी मिट्टी लग गई थी चप्पल की वजह से, तो उसी की वजह से ऊपर आ जा रही थी माटी। बस हमारी चाय बन गई है, तो ये समोसा है, तो चाय समोसा आज होगा। मौसम चेंज की वजह से जो है बारिश हो गई थी, तो हमने कहा चलो आज ट्राई करते, तो चलिए खाते भी मिलते। तो गए सब्जी काट लिया है, तो वहाँ लग रहा था बैंगन जो अंधेरे में गड़बड़ होगा, लेकिन सही निकल गए काफ़ी छांटने के बाद जो है, तो काफ़ी ज़्यादा इनका जो वहाँ देखा तो यहाँ सही निकले, नहीं उसमें गड़बड़ थे, ज़्यादा बचे ही नहीं थे। तो चलिए बनाते खाना, यह हमारा प्याज भी कट गया है और यह टमाटर। तो अपना खाना बन चुका है, तो खाते हैं खाना। तो आज जो है बारिश हो गई थी, तो इसी वजह से कुछ ठंडा है, लेकिन मच्छर लग रहे हैं। तो चलिए खाते भी मिलते हैं आपसे। तो गैस हमारा खाना तो हो चुका है, तो आज जो है तारीख है 27 तारीख, तो कल जो है हमारे यहाँ 28 को तो हमारे नए घर का उद्घाटन है, जो भैया बनवाए थे वहीं रायबरेली में है। तो वहाँ तो पहले हमारा जाने की प्लानिंग था, लेकिन पेपर की वजह से अब जा नहीं पाएंगे। एक तो हमारे 10 तारीख को पेपर हैं, पहले उद्घाटन था, शादी पहले का विचार था, लेकिन जो है हम नहीं बन पाए, तो हम नवरात में पूरा प्लानिंग है, तो कल होगा उद्घाटन, पूरी तैयारी जो है वहाँ चल रही। तो अगर वीडियो वहाँ से मंगाएंगे, आएगा तो दिखाएंगे कैसा बना है। तो हम भी अभी एक ही बार गए थे, वो भी जब काम चल रहा था, तब से कम से कम हो गई 5 महीने, वही खिचड़ी में गए थे उधर से ही घूमते रायबरेली के। तो हम भी अभी ज़्यादा गए हुए नहीं वहाँ, इसी में जाने की प्लानिंग था, लेकिन अब जो है पेपर ही पड़ गए बीच में, तो अब ये भी कैंसिल है। तब किसी दिन जाएंगे, अब की जब घर जाएंगे तो हो सकता है इधर से ही जाएंगे। तो सब लोग भैया और वहाँ रहेंगे, कल जो है कथा वथा की व्यवस्था है, पहले रामायण की थी लेकिन अब कथा की व्यवस्था है, क्योंकि रामायण में कोई अभी इकट्ठा हो नहीं पाएगा वहाँ, शादी में रामायण थी अभी 1 महीना हुआ। तो चलिए यही थी, अगर वीडियो वहाँ से वीडियो आएगा दिखाएंगे आपको कैसा घर बना है। तो चलिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर तो कर दीजिए, क्योंकि कोई आपका जाता कुछ नहीं, हमारा हौसला ही बढ़ेगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।